हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पालक से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। और ये खाने में बहुत टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं इस अट्रैक्टिव से दिखने वाले नाश्ते को कैसे बनाते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं हूँ नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे हमने लिया है एक ग्राइंडिंग जार और उसमें अच्छी तरह से धोकर थोड़ा रफली कटा हुआ पालक यहाँ पे डाल देंगे। बेसिकली हमको इसको पीसना है, इसलिए रफली काटा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 इंच के अदरक के टुकड़े को। इस तरह से काट के 1 से 2 हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ कुछ लहसुन की कलियाँ इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसके इसको एक तरफ रख लेंगे और एक लेंगे मिक्सिंग बाउल। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी। यहाँ पे आप मोटी वाली या बारीक वाली कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हो। तो जितनी सूजी ली है उससे आधा यहाँ पे हम दही लेंगे। तो दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो पालक हमने पीस के रखा है वो। और ये पालक पूरा 1 कप के बराबर ही हमारा पिसा था। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले देखेंगे कि पालक डालने के बाद इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। अब ग्राइंडिंग जार में जो पालक चिपका हुआ था उसको पानी से धोकर इसमें हम डाल देंगे, ताकि हमारा काम भी हो जाए और ग्राइंडिंग जार का जो पालक है वो भी इसमें मिक्स हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमने पानी डाला है, तो लगभग आधा कप तो अभी मैंने पानी डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। तो सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और इसको हम बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जैसा कि हमको मालूम है सूजी काफ़ी पानी अब्सॉर्ब करती है, तो थोड़ा सा पानी इसमें हमने और ऐड किया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके बैटर को 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि सूजी को जितना पानी अब्सॉर्ब करना है वो कर ले। और जैसे कि आप ये देख ही रहे हो इस समय बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है, बिल्कुल ऐसी ही हमको चाहिए। 15 से 20 मिनट इसको हम ढक कर रख देते हैं और तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और उसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है इसमें डालेंगे आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच जीरा और साथ ही साथ 3 से 4 लहसुन की कलियां, जिनको कि बारीक बारीक काट लिया है। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको स्किप कर दीजिए। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इस तरह से ग्रेटेड किया हुआ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इन सभी चीज़ों को कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। लगभग 3 सेकेंड भूनने के बाद इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इनको भी ऑयल के साथ अच्छे से भून लेंगे। और 3 से 4 उबले हुए आलू यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, जिनको कि हाथ से रफली क्रश कर लिया है। आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश ही नहीं करना है, अगर आप मैश ही करेंगे तो वो थोड़े स्टिकी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम फ्रेश हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी लहसुन के साथ भून सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं और अगर आप पसंद करते हो तो ऐड कीजिएगा। तो ये जैसे कि आपने देखा कि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और जैसे ही मसाला ठंडा होगा, हाथों में थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लीजिए और ये जो मसाला हमने आलू का बनाया है इसको इस तरह से लंबे लंबे रोल बनाकर रेडी कर लीजिए। अब हम यहाँ पे 3 ग्लास ले लेंगे और उनको इस तरह से अंदर से ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। 3 से 4 ग्लास यहाँ पर मैंने ग्रीस करके रखे हैं और तब तक बैटर ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट। अगर आपके पास इनो नहीं है तो इनो की जगह यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हो। इनो आपको बैटर में तभी मिलाना है जब आपकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हो, क्योंकि इनो मिलाने के बाद बैटर को ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं चाहिए। अब जो ग्लास हमने ग्रीस करके रखे थे उसमें पहले थोड़ा सा बैटर नीचे डाल देंगे और आलू के मसाले का जो रोल बना के हमने रखा था उसको इस तरह से बीच में रखकर आसपास भी इस तरह से बैटर फिल कर देंगे। ग्लास को थोड़ा सा खाली रखिएगा, नहीं तो ये सूजी जब फूलेगी तो ये ऊपर तक आ जाएगी। और इसी तरह से सारे ग्लास हम फिलअप करके रख देंगे। तो टोटल मैंने 4 ग्लास को फिलअप किया है और ये इस तरह से बीच में जो रोल है वो रखेंगे और आसपास इस तरह से बैटर डाल देंगे। और अब हमको इसको स्टीम करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उस पर रख दी है एक जाली।
आप चाहें तो कोई प्लेट भी रख सकते हो, नीचे पानी भर दिया है और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। आप कोई भी भगोना भी यूज़ कर सकते हो या और कोई स्टीमर यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको स्टीम करेंगे और उसके बाद खोलकर देखेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं, बहुत ही ऊपर तक ये फूल कर आ गए हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इनको निकाल कर ठंडा करेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ इसमें इंसर्ट कर इसको चेक भी कर सकते हो। अगर नाइफ क्लियर है इसका मतलब ये जो बैटर है पूरी तरह से पक गया है। सभी को निकाल कर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अगर आपने गरम गरम में इसको निकालने की कोशिश करी तो ये टूट सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको पूरी तरह से ठंडा होने पर ही हमको निकालना है। और ये देखिए अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, ये देखिए। और अगर नहीं निकलते हैं तो आप चाहें तो साइड्स में चाकू फिरा सकते हो। और ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाते हैं। मैं दूसरा भी आपको निकाल कर दिखाती हूँ, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ऑयल ग्रीस किया था तो ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हो इसके ऊपर कितने बढ़िया पोर्स आए हैं, यानी कि जो सूजी है बहुत अच्छी तरह से फूली है और बहुत ही बढ़िया जालीदार बनी है आसपास से, और स्टीम में बनने के कारण बिल्कुल भी हैवी नहीं है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और चटपटा बनाते हैं और दिखने में भी ये थोड़े से टेम्प्टिंग दिखे। इसके लिए हमने लिया है एक पैन, और पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें आधी चम्मच राई डाल देंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी सफ़ेद तिल डाल देंगे। और इसमें आप अपने पसंद से कोई भी मसाला ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ तिल्ली और राई के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हो। और काश्मीरी लाल मिर्च मसाला मैंने इसलिए ऐड किया है कि इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं होती और ये कलर को बहुत बढ़िया कर देता है। तो मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और काश्मीरी लाल मिर्च मसाला इसमें ऐड किया है और इसको पूरे तवे पर हमने फैला दिया है। अब जो रोल हमने बनाए थे उसके सिरों को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, मतलब ऊपर से जो अनइवन सिरा है उसे काट देंगे और इस तरह से इस रोल को इस पर अच्छी तरह से लपेट देंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से, आप चाहें तो इसको थोड़ा क्रिस्पी भी कर सकते हो। मैंने इसको बस इसी तरह से लपेट लिया है और बहुत ही चटपटा और मज़ेदार नाश्ता बनता है दोस्तों ये। और उसके बाद इनको इस तरह से हम कट कर लेंगे। बड़ी आसानी से ये कट हो जाते हैं, ये देखिए। और सारे रोल इसी तरह से हम कट कर रेडी कर लेंगे। देखिए दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपने ये कैसे बनाए हैं। इस नाश्ते को गार्निशिंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना टेम्प्टिंग दिखता है कि इसको देखते ही खाने का मन करेगा। तो दोस्तों आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ इसको सर्व कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।